डिंपल अखिलेश का प्रेम लालू को नहीं आया रास। लालू का डिंपल पर गुस्सा मुलायम पर पड़ा भारी। मुलायम का सपना टूटा, क्यों रूठे थे लालू? दो बार मुलायम के पास मौका, दोनों बार लालू ने रोका। डिंपल के कारण मुलायम के पीएम ना बन पाने का किस्सा। देश के प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का आज नाम होता, लेकिन ऐसा लालू प्रसाद यादव की वजह से नहीं हो सका। मुलायम के सामने जब जब प्रधानमंत्री बनने का मौका आया, तब तब लालू प्रसाद यादव ने वीटो लगा दिया, तब तब रोक दिया। एक बार नहीं, दो बार मुलायम सिंह यादव के पास देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका आया था। दोनों बार पीएम पद की रेस में मुलायम की दावेदारी पुख्ता थी, लेकिन दोनों बार तब लालू ने मुलायम से सियासी दुश्मनी निभा दी थी। दोनों बार लालू के पुख्ता विरोध के कारण मुलायम देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सके, उनका सपना अधूरा रह गया। आज भले ही लालू और मुलायम के बीच रिश्ता मीठा मीठा सा है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब दोनों धुरंधरों के बीच कड़वाहट किसी से छिपी नहीं हुई थी। इस कड़वाहट की वजह बनी थी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी और मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव। डिंपल के कारण ही लालू और मुलायम के पारिवारिक रिश्ते का प्रभाव उनके सियासी रिश्ते पर पड़ा था। दोनों के रिश्तों पर कड़वाहट का साया करीब एक दशक तक रहा है। तो आखिर डिंपल यादव ने क्या किया था जिसके कारण मुलायम और लालू प्रसाद यादव के बीच दूरियां बढ़ गई? उस वक्त उनके अंदाज में तलखियां ही तलखियां दिखने लगी थी। तो डिंपल से लालू की नाराजगी की वजह क्या थी? डिंपल का परिवार राजनीतिक भी नहीं था। उस वक्त डिंपल की शादी अखिलेश से भी नहीं हुई थी, वो अखिलेश की महज एक दोस्त थी, प्रेमिका थी। तो क्या लालू डिंपल यादव को जानते थे? बिल्कुल नहीं, लालू यादव डिंपल यादव को नहीं जानते थे। बावजूद इसके कैसे डिंपल यादव लालू और मुलायम की सियासी अदावत के केंद्र में आ गई, उसे समझने के लिए फ्लैशबैक में यात्रा करनी होगी। साल 1996 का था जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई, तो संयुक्त मोर्चा की मिलीजुली सरकार बननी तय हुई। मुलायम सिंह यादव के नाम पर ज्यादातर लोग सहमत थे, प्रधानमंत्री पद के लिए उनके नाम पर मुहर लग गई थी, यहां तक कि शपथ ग्रहण के लिए तारीख भी तय हो गई थी, लेकिन ऐसा हो ना सका। मुलायम सिंह यादव के पीएम नहीं बन पाने के पीछे का एक बड़ा कारण लालू प्रसाद यादव का विरोध बताया जाता है। मुलायम ने लालू प्रसाद यादव को लेकर अपनी नाराजगी छुपाई भी नहीं। इसके साथ ही इसका तार जोड़ा जाता है मुलायम सिंह की बहू यानी अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल से। बताया जाता है कि लालू प्रसाद अपनी बेटी की शादी अखिलेश यादव से करना चाहते थे, पर ऐसा हो ना सका। ऐसा नहीं था कि इसके लिए मुलायम सिंह ने कोशिश नहीं की, लेकिन अखिलेश को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने डिंपल से शादी की इच्छा जताई। मुलायम सिंह ने बेटे को मनाने की कोशिश भी की, लेकिन अखिलेश नहीं माने। कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव इस बात से नाराज थे। लालू प्रसाद के साथ शरद यादव ने भी तब पीएम पद के लिए मुलायम सिंह यादव के नाम को समर्थन नहीं दिया। इसके बाद मुलायम सिंह यादव की जगह एचडी देवगौड़ा के नाम पर सहमति बनी और वो प्रधानमंत्री बने। मुलायम को रक्षा मंत्रालय से ही संतुष्टि करनी पड़ी। हालांकि फिर बाद के चुनावों में भी उनके पास मौके आए। जब देवगौड़ा ने पीएम पद से इस्तीफा दिया, तो फिर संयुक्त मोर्चा में एक दल को छोड़कर बाकी के घटक दलों के मुलायम पसंदीदा बने थे। उस एक दल आरजेडी और उसके अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के वीटो के कारण मुलायम पीएम नहीं बन सके। हालांकि अब मुलायम और लालू के बीच सियासी कड़वाहट का वह दौर बीत चुका है, क्योंकि दोनों समधी बन चुके हैं। मैनपुरी से पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव से लालू की छोटी बेटी राजलक्ष्मी यादव की शादी हुई है। रिश्ते में तेज प्रताप अखिलेश यादव के भतीजे लगते हैं। इस लिहाज से मुलायम लालू के समधी हुए। लालू और मुलायम एक दूसरे का परिवार बन चुके हैं, लेकिन लालू की वो ख्वाहिश अधूरी रह गई जिसकी चाहत थी अखिलेश यादव उनके दामाद बने और वो उनके ससुर। लालू की इस ख्वाहिश को अधूरी बनाने में खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अहम भूमिका निभाई थी, क्योंकि डिंपल से किसी कीमत पर वो शादी करना चाहते हैं, क्योंकि वो डिंपल से प्यार करते थे, करते हैं और करते रहेंगे।